हाय प्रीस्टेस टैरो, आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक वर्गो को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका January 1 से लेके January 15 तक 2021। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी वर्गो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द न्यू ईयर। Virgos in love. Okay. So आपका first card था the 9 of Swords, 5 of Wands, Virgos in love. Okay, 3 of Pentacles. 5 of Swords in the reverse, 6 of Cups, Harvest. Bottom deck energy है आपका, the Hanged Man. Okay, so Virgo. कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, बट नॉट एवरीबडी, हर कोई नहीं, ओनली सम ऑफ यू। यहाँ पे मुझे दो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट वर्गो। एक सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। एंड बेसिकली आप ये जो थर्ड पार्टी है या लाइक जिसके साथ आप थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक आप उस पर्सन को बेसिकली या तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो उस पर्सन के साथ, या तो आप चाहते हो इस सिचुएशन को स्टेबल बनाने का, आप इस सिचुएशन को स्टेबल बनाना चाहते हो इस पर्सन के साथ। बिकॉज आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। आप बहुत एंक्शस हो। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ नहीं हो, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन पर वर्क करना चाहते हो। एंड बाकी लोग जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हैं, मेरे वर्गोज, आई थिंक आप डेफिनेटली किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या किसी को अपने लाइफ में चाहते हो, किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। इस पर्सन को आप अपने लाइक फ्यूचर पार्टनर के तौर पे देखते हो, लाइक हस्बैंड और वाइफ और समथिंग स्टेबल, यू नो। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन एनर्जी है आपके साइड से। एंड यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, मे बी इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है या आपने इनको किया है, या आपको कुछ सच पता चला है इस पर्सन के सामने। आपके मन में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है वर्गो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। लाइक इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो, लाइक आपका एक पार्ट चाहता है इस पर्सन के साथ रहना, स्टेबिलिटी, रिकन्सिलिएशन, एंड आपका जो दूसरा पार्ट है वो डर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्टेड है, उसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, या इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है आपकी एनर्जी में। कुछ लोग यहाँ पे आप कन्फेस करने से डर रहे हो, अगर ये आपका कोई क्रश है या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप अपना लाइक कन्फेशन करने से डर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे, ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या आपका कोई एक्स पार्टनर है जिसे मे बी आप सेकेंड टाइम प्रपोज करना चाहते हो, या जिसके साथ आप बस एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, एज अ लवर हो, एज अ पार्टनर हो, डजेंट मैटर। आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हो किसी ऐसे पर्सन के साथ वर्गो, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि वो पर्सन, लाइक आप श्योर नहीं हो कि उस पर्सन के मन में क्या है, उस पर्सन का फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपके कुछ कहने से या करने से।
सो बेसिकली आपके मन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा. एंड यहाँ पे ज़्यादा लोग, आप कुछ ज़्यादा एक्शन इस वक्त नहीं ले रहे हो बिकॉज़ आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में, यू नो. सो लेट अस सी वर्गो कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त. व्हाट आर योर पर्सन्स एनर्जीज़? ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो इट माइंड बी कि ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है. टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक ये पर्सन इस वक्त, इनका जो एनर्जी है, चाहे ये जो भी पर्सन हो, इनका जो एनर्जी है वो खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने करियर पे या फाइनेंसेस पे या अपनी स्टेबिलिटी पे. अगर ये पर्सन मैरिड है तो मे बी उनके फैमिली सिचुएशन पे. अगर ये अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने ऊपर. मे बी इनका जो भी, लाइक यहाँ पे दो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं. लाइक इस पर्सन को बहुत प्राइड है अपने ऊपर, यू नो, कि इनको पता है कि मे बी ये अच्छे दिखते हैं इसलिए, मे बी ये बहुत रिच है इसलिए, मे बी इसमें इनमें कुछ टैलेंट है इसलिए, या फिर मे बी इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं या आप इनको पसंद करते हो. एंड स्पेशली अगर इनको पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो, देन इस पर्सन को बहुत ईगो है उस बात पे, या इस पर्सन को बहुत घमंड है उस बात पे इस वक्त दैट आप इन्हें पसंद करते हैं, या मे बी ये बहुत पॉपुलर है अपने फ्रेंड सर्कल में, या मे बी इन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं. सो जो भी सिचुएशन हो, इस पर्सन को बहुत प्राइड फील होता है, इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो फील होता है उस बात पे, यू नो. बट आई थिंक यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट वर्गो, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स है इस पर्सन के मन में जो आपको पता नहीं है. बिकॉज यहाँ पे आपके यहाँ पे था द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स. सो मे बी आप कुछ सीक्रेट पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो जिस बेसिस पे आप डिसीशन ले सकते हो इस पर्सन के बारे में. बट वर्गो यहाँ पे सीक्रेट्स है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है जो ये पर्सन आपसे छुपाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो बस कुछ छोटे मोटे चीज़ हो. ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे कुछ है जो आपको पता नहीं है. ओके, देर आर समथिंग दैट यू डोंट नो. एंड ये पर्सन मुझे इस वक्त स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट. पर्सन एक तो ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है, मे बी ये आपसे सही से बात नहीं कर रहे, या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं, या अगर मे बी अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करोगे इस वक्त, मे बी ये बहुत कैजुअल रहेंगे, या आपको ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कराएंगे. बिकॉज ये पर्सन अपने आप को लेके बिजी है, ये पर्सन बस अपने बारे में सोच रहे हैं. ये बहुत एक सेल्फिश और काइंड ऑफ ईगोइस्टिक एनर्जी है इस पर्सन के अंदर इस वक्त, यू नो. एंड ऑल्सो ये पर्सन श्योर नहीं है, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है आपके साथ. अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, देन मे बी ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये पर्सन इस वक्त आपको ज़्यादा कुछ ऑफर कर पाएंगे, आपको मे बी टाइम एनर्जी आपको दे पाएंगे. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इस पर्सन के साइड से. एंड ऑल्सो इम्बैलेंस, आपके पर्सन को लगता है इस वक्त ये बैलेंस में नहीं है, इस वक्त ये आपको बैलेंस नहीं दे सकते. सो आई डोंट थिंक इस वक्त, ये वक्त सही नहीं है इस पर्सन को अप्रोच करने के लिए, या इस पर्सन को कुछ बोलने के लिए. सो अगर आप इस पर्सन को कुछ कन्फेस करना चाहते हो या बात करना चाहते हो वर्गो, मे बी यू शुड वेट अ बिट. आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज इस वक्त इस पर्सन का जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है. एंड ये पर्सन बेसिकली थोड़ा सा सेल्फिश और इगोइस्टिक एनर्जी में है. ओके, सो आप थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज कैन चेंज एनी टाइम, राइट? ओके, और आपके जोडिया के लिए यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो साज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस. ओके ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस सी. ओके, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स,
द फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड इज़ आपके अंडर में भी लोग काम करते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, या तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं. क्वीन ऑफ कप्स, या लाइक वाओ, लाइक टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग. वर्गो, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द मून. बॉटम डेक एनर्जी है आपका, एट ऑफ वॉन्ड्स. ओके वर्गो, सो आपके काम रिलेटेड सिचुएशन में, करियर रिलेटेड सिचुएशन, फाइनेंसेस में आई एम सीइंग स्टेबिलिटी, 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 नो डाउट. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको वर्क थ्रू करना है, जिसे आपको सॉल्व करना है, एंड ये चीज़ें कुछ बड़ा नहीं है. आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनल है जिसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो, यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू नो यहाँ पे तीन कार्ड्स है बेसिकली ऑफ स्टेबिलिटी. अगर आई थिंक आप एक ऐसे सिचुएशन पे एंटर करने वाले हो जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप कैसे उस चीज़ को अचीव करोगे, एंड आपको पता है आपका पाथ क्या है. सो आई एम सीइंग इमेंस स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस कमिंग इन. अगर आप फाइनेंसेस को लेकर चिंता कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, बिकॉज फाइनेंसेस में आप ऑब्वियसली सक्सेस देख पाओगे. अगर आप कुछ करते हो, यू नो, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसमें आप एक लेवल ऊपर जाने वाले हो, मे बी प्रमोशन, या यू गोना लाइक आई एम हियरिंग बॉस अप द सिचुएशन. सो बेसिकली आप बॉस अप करने वाले हो, लाइक आपके अंडर मे बी और भी लोग काम करेंगे, आप मे बी थोड़ा सा लाइक इस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने वाले हो. आप जिस भी लेवल में हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप बिजनेस, डजंट मैटर. इवन अगर आप पढ़ाई करते हो, आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल, लाइक अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हो. आप डेफिनेटली खुद को प्रमोट कर रहे हो, खुद को नॉलेजेबल बना रहे हो, या सक्सेस देख पा रहे हो, लाइक विक्टोरियस फील कर पा रहे हो. आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, बट एज आई सेड कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करना है. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, एंड आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है. मे बी आप खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, या आप यूजुअली बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको और दूसरों को कंपेयर करते हैं. मे बी आप खुद करते हो, सो डोंट डू दैट. या लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, इस चीज़ से आपको दूर रहना है, ठीक है. अगर आप श्योर हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको क्या चाहिए एंड आपको क्या करना है, आई थिंक यू गोना अचीव इट. वर्गो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा इस सिचुएशन में. बेस्ट ये रहेगा वर्गो कि आप अपना सिचुएशन दूसरों के साथ इस वक्त डिस्कस ना करें, बिकॉज आई एम गेटिंग कि आपको ज़्यादा लाइक एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है. जब तक आप कॉन्फिडेंट हो, जब तक आपको पता है कि आप क्या लाइक किस डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी लाइफ को लेके, वर्गो यू डोंट नीड एनीवन. अगर आप एडवाइस लेना चाहते भी हो, आप एक दो लोगों से ले सकते हो, चाहे वो आपके काउंसलर्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या कोई ऐसा जिसे आप भरोसा करते हो, जो आपके बहुत क्लोज है. बट आई डोंट थिंक वर्गो ये टाइम है कि आप सारे लोगों से एडवाइसेस लो, या बहुत सारे लोगों को जाके अपने यू नो फाइनेंसेस के बारे में बताओ, या करियर के बारे में बताओ, कि अपने प्लान्स बताओ, अपने आइडियाज़ बताओ. उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगा. अगर आप ये करने जाओगे, आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज मे बी वो लोग जेलस है, बिकॉज मे बी उनका वाइब्स बहुत नेगेटिव है. जो भी है वर्गो, इट डजेंट मैटर. बट बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा इस वक्त सीक्रेटिव रहे अपने प्लान्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, गोल्स के बारे में. हर किसी को ना बताएं, जितना कम हो सके उतना डिस्कस करें लोगों के साथ, या किसी ऐसे लोग से एडवाइस ले या डिस्कशन करें जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, एंड जो पॉजिटिव है, जिनका वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, जो आपको नेगेटिव माइंडसेट में नहीं डालेंगे. ओके, ओवरऑल आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. And please don't doubt yourself.
ये मत सोचना कि क्या ये हो पाएगा, क्या मैं गुड अनाफ हूँ, क्या ये नहीं, यू आर गुड अनाफ, यू विल डू दिस, बिकॉज यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज अमेजिंग अमेजिंग. सो ये जो डाउट्स है या फिर ये जो इन्फ्लुएंसेस है, आउटर इन्फ्लुएंसेस है, इसको बंद करो पहले. ओके, वेरी पॉजिटिव वर्गो. लेट अस सी एनी जनरल मैसेजेस, एनी जनरल मैसेजेस. फॉर माई वर्गोज, ओके, टावर, द सन, वाओ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, आपके हर चीज़ में फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपके लव सिचुएशन में, करियर में, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, बॉटम डेक एनर्जी है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो जनरल एनर्जी इज वर्गो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप वरिंग, पहली बात कि आप चिंता करना बंद करो, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज, आप बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी आप ओवर थिंक करते हो या टेंशन लेते हो, बिकॉज आई थिंक आप कुछ एक्सपेक्टेड करने वाले थे या किए थे जिसे आपको लगा था कि आप उस चीज़ से हैप्पीनेस देख पाओगे, या आप यू विल फील हैप्पी, या आप सही डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो जो भी सिचुएशन में हो, आपके आपका लव सिचुएशन हो, फैमिली लाइफ, हेल्थ, जो भी पर्सनल लाइफ, आई थिंक जो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया, कोई ऐसा सिचुएशन था, कोई ऐसा इंसान था आपके लाइफ में, अगर ये सिचुएशन ऑलरेडी नहीं आया है, हो सकता है ये आएगा, बट डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज टावर मोमेंट्स हमेशा ख़राब नहीं होते. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो बाई बींग क्लियर अबाउट इट, कि लाइक आप जल्दबाजी में डिसीशंस मत लो, या बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मुझे इतना सारा एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से या इस सिचुएशन से, एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते वर्गो, आपका ये टावर मोमेंट क्रिएट होता है, आप बेसिकली डिवास्टेटेड फील करते हो, आपको बहुत बुरा लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशंस मत रखो लोगों से, अगर एक्सपेक्टेशंस रखना है सिर्फ अपने आप से रखो, बी कॉन्फिडेंट. एंड अगर कोई डिसीशंस ले रहे हो लाइफ के, अगर कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रहे हो, अगर कुछ लाइक स्टेबल सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, डाउटफुल मत रखो कि मे बी ये, मे बी वो, अच्छा सोच लेंगे, देख लेंगे, नहीं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज अगर आप क्लियर रहोगे, आपका इंटेंशन, आपका जो पाथ है, आपका जो गोल है फ्यूचर, या आप जो भी सोच रहे हो अपने बारे में, जो भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आपके लाइफ लाइक किसी भी एरिया में हो आपके लाइफ के, बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके, एंड एज आई सेड कि कुछ लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, या आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो लाइक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ, इट कैन बी न्यू पीपल कमिंग इन, जो लोग नए हैं आपके लाइफ में, लाइक न्यू फ्रेंड्स और समबडी जो आपको ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करेगा वो. लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे लोग हैं आपके लाइफ में ये, या फिर ये आप खुद हो जो आप क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को, जो आप डाउट करते हो, डीमोटिवेट करते हो, डी वैल्यू करते हो, जिस कारण से आप छोटे छोटे चीज़ों को भी आपको लाइक लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लो है वर्गो, योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी लो, या तो दूसरे लोगों के लिए, या तो आप लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, आप खुद को ऐसा पोजिशन पे डाले हो जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनाफ, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या नहीं ये वो, सो स्टॉप दैट, बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज द कॉन्फिडेंस. सो अगर आप मूव करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में, जस्ट बी कॉन्फिडेंट विथ इट, जस्ट बी क्लियर विथ इट, कि हाँ मुझे पता है कि ये मुझे करना है, हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, हाँ मैं ये करने के लिए पैशनेट हूँ, एंड मैं ये करूँगा,
या मैं करूँगी, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू हैपन. सो जो भी आप करना चाहते हो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड अच्छे से सोचो, लॉजिकली सोचो उस चीज़ को एंड परस्यू इट. ऐसा नहीं है कि आप बैठ के डाउट कर रहे हो, एंजाइटी में भुगत रहे हो, कॉन्फ्लिक्टेड हो, या लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच रहे हो, लोग आपको अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप लोगों के क्रिटिसिज्म को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो खुद के कॉन्फिडेंस से पहले या खुद के सेल्फ वर्थ से पहले. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, बिकॉज वर्गो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो ऑलरेडी. सो ट्राई टू अवॉइड अदर इम्बैलेंसेज, यू नो, हील योर सेल्फ. ओके, सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू वर्गो. आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा, आई थिंक ये आपको रेजोनेट किया है. अगर किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. मे गॉड ब्लेस यू. एंड या मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.